Good morning students. So in last video I have discussed about the elimination method, okay, that of chapter 3, pairs of linear equation in two variables. So two variables ka humne last part mein, last video mein humne dekha tha elimination method ka three types, okay. Aur ye type number 4 hai bachcho, ye sabse अप लेवल का क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मतलब इसके एक क्वेश्चन आपके हमेशा 4 या 3 मार्क्स कंटेन करेंगे, बिकॉज वन क्वेश्चन विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस, ओके. जितने भी टाइप्स आपने स्टडी किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये फोर्थ टाइप ना सारा टाइप इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आपको क्वेश्चन देख करके ही लग रहा होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, 1 by something, ओके, 1 by something लाइक दैट. यू कैन सी हियर वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, है ना. तो एलिमिनेशन मेथड का ये सबसे हाई लेवल का और सबसे आखिरी टाइप है, जिसको हम लोग समझेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से एलिमिनेशन मेथड का बन सकता है, ओके. लेट अस सी. अब आप इसे ना ध्यान से देखो, हम लोग जैसे थर्ड टाइप में हमने एक्स और वाई का वैल्यू के जगह पे हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिया था, उसी तरह से यहाँ भी कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी आपको एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट नहीं है, वेट, ये 3x, ओके, 3x-3y, यहाँ भी आपका 3x-3y है, 3x+3y है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट है 2 × 3x+y, 2 × 3x-y. तो आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1/3x+y दैट इज इक्वल्स टू v, कुछ भी आप वेरिएबल ले लो, आपके नाम का पहला लेटर है आप वो भी ले सकते हो, एंड सेकेंड वी कैन लेट 1/3x-y दैट इज इक्वल्स टू यू, ओके. एज यू विल लेट दिस थिंग, आप देखो ये लीनियर इक्वेशन जो था हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. वही अपना टाइप भी बोलता है दैट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लीनियर इक्वेशन, मतलब पहले क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन में, अभी तो लीनियर इक्वेशन में है नहीं, ठीक है. तो चलिए अब ट्रांसफॉर्म करते हैं, इससे लेट किए, अब इक्वेशन को हम लोग देखते हैं क्या हो जाना है. तो 3x+y 1/3x+y हो जाता है हमारा v, और ये हो जाता है प्लस u दैट इज इक्वल्स टू 3/4, ओके. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, क्लियर. सेकेंड, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 3x+y, इसके प्लेस पे तो हमें x लिखना ही है, बट ये 2 आपका नीचे रह जाएगा, मतलब होगा क्या, ओके, v/2, ओके, -1/ दैट इज इक्वल्स टू u, u/2 इज इक्वल्स टू -1/8. इसे थोड़ा सॉल्व कर ले बच्चों, ओके. नाउ हाउ यू कैन सॉल्व, टेक एलसीएम, v-u दैट इज इक्वल्स टू -1/8, इट विल गेट कैंसल आउट, मीन सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या हो गया, v-u इज इक्वल टू -1/4. अब बच्चों आपको करने क्या है, देखिए यहाँ v+u, यहाँ पे v-u के टर्म में हमें इक्वेशन मिल गया, तुरंत हम इलिमिनेशन मेथड में चले जाएंगे. मैंने बताया था किसी एक को टारगेट करना है, टारगेट आप करो या तो v या तो u, यहाँ पे दोनों, एक प्लस में है एक माइनस में है. चलिए फिर से फर्स्ट वीडियो को रिकॉल करते हैं, अगर v को टारगेट करते हैं दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस, जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर u को टारगेट करते हैं तो u हमारा पॉजिटिव है, यहां u हमारा नेगेटिव है, तब क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यस, इट विल बी सब्ट्रैक्शन. नाउ सी हियर, आफ्टर दैट एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी विल गेट, यू कैन सी हियर केयरफुली, v plus u that is equals to 3/4, here v minus u that is equals to -1/4, okay, add it, addition में तो हमारा ये cancel, ये हो जाएगा 2v that is equals to 3/4 plus -1/4, add कर देने हैं इसे बच्चों, add करेंगे तो क्या होगा, 2v that is equals to 4 3-1 means 2/4 that will give you 1/2, means v is equals to, ये 2 इधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, that will give you 1/4, v का वैल्यू हमारा आ गया है 1/4, ओके. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u ऑल्सो, u का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 या 2, किसी एक इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूट कर देना है v का वैल्यू, u का वैल्यू भी आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ऑन पुटिंग, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
v that is equals to 1 by 4 in equation 1, then we will get, तब हमें क्या मिलेगा बच्चों, आप यहां ध्यान से देखो, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था v plus u is equal to 3 by 4, तो v के प्लेस में हमें पुट करना है 1 by 4 plus u is equals to 3 by 4, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ये RHS में चला जाएगा, then u will be equals to 3 by 4 minus 1 by 4, then u will be equals to 3 minus 1, 2 by 4, ये आपको 1 by 2 दिया, आ गया हमारा u का value 1 by 2, है ना, अब ये जो values आ रहे हैं, u और v का जो values हमारे पास आ रहे हैं, है ना, this value and this value, अब इसे देखो, हमने starting में ही कुछ let किया था, बच्चों, ये देखो, ये हमने let किया था, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, v के place में इसे put कर देंगे, और u के प्लेस में इसे पुट कर देंगे, तो हमारा एक फिर से नया इक्वेशन बन जाएगा xy के टर्म में, और वो जो xy के टर्म में हमारा इक्वेशन आएगा, फिर से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, मतलब आपको 3 टाइम्स सॉल्व करना, ए सॉल्यूशन 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स आपका इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन, फिर इससे मिला दूसरा इक्वेशन, और x plus y के टर्म में मिलेगा तीसरा इक्वेशन, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे टाइप 4 के क्वेश्चन, वो थोड़ा लॉन्ग बनेंगे, उसमें पेजेस को नहीं देखना है कि इतना लंबा जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेशंस आपको थॉरली करते चले जाना होगा, और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, तो इसे अब ध्यान से देख लो, नोट कर लो, क्योंकि अब फिर से हमें इन दोनों के हेल्प से आगे प्रोसीड करेंगे, ओके बच्चों, जैसा कि आपने लेट किया था यहां पे, है ना, ओके, दैट दे 1/3x + y = b, 1/3x - y = u, u और v का वैल्यू पता चल गया, तो हम अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/3x + y दैट इज इक्वल्स टू v, v मतलब 1/4, ओके, और यहां से एक इक्वेशन ग्रास्प कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 1 × 4 आ जाता है, इधर आ जाएगा 3x plus y into 1, यहां कोई नंबर होता तो वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता, तो 1 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, that will give you 4, 3x plus y is equals to 4, ओके, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, क्लियर, नेक्स्ट सिमिलरली, ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, ये u वाले टर्म को लेंगे, 1/3x minus y that is equals to 1/2, है ना, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 is equals to 3x minus y, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा टाइप के अकॉर्डिंगली, 3x और y के टर्म में हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब फिर से हम लोग इसे इलिमिनेशन की ओर मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तब हमें जाकर के x और y का वैल्यू मिलता है, अब यहां देखिए, अगर 3x को टारगेट करते हैं तो दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, आप सबट्रैक्शन की ओर मूव कर सकते हो, अब यहां y को अगर टारगेट करते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तब हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लोग सबट्रैक्ट कर सकते हैं, चलो लेट अस सी सबट्रैक्टिंग, ओके, इक्वेशन 3 एंड 4, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी, तो 3 और 4 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, 4 इज इक्वल्स टू 3x + y, और इधर है हमारा 2 is equals to 3x minus y, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है नीचे का, ओके, क्लियर है, सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा नीचे का, ठीक है, तो ये दोनों कैंसल हो गए, यहां पे क्या हो गया 2, इधर क्या बचा 2y, y plus y 2y, 2 to get cancel means y is equals to 1, अब ये y का वैल्यू जो 1 आया हमारा, either 3 और 4 कोई भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, now on putting the value of y is equals to 1 in equation 3, then we get, क्या हमें मिलेगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन था हमारा 4 is equals to 3 × x 3x plus y के जगह पे 1 आ गया, 1 इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो -1 is equals to 3x that will give you 2 divided by 3, wait, 4 minus 1 3 and this 3 will come to this side as a 3 means it is also giving you 1, so the value of x is equals to 1 and y is also equals to 1, that is your answer, ठीक है बच्चों,
तो आप फिर से एक बार रिकॉल करो स्टार्टिंग से, हमारा क्वेश्चन का जो टर्म्स था 1/3x + y इसकी टर्म में था पहले, उसे दूसरे वेरिएबल में चेंज किए, वेरिएबल से इक्वेशन निकाल के एक बार हम लोग सोल्यूशन कर लिए, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब जाकर के इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये थोड़ा तो परेशान करेगा ही, परेशानी का तो बात है ही नहीं, मतलब यूं समझ लो आपकी थोड़ा लेंदी जाता है, इट विल टेक मच टाइम। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो अपने घर पे, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करो। आई एम जस्ट गिविंग यू ओके क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस टाइप्स, सारा फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप करके मैं कुछ आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, आप उसे एकदम ट्राई करो, ठीक है। एंड आस्क मी अबाउट द आंसर्स एंड व्हाट एवर द आंसर यू गेट यू जस्ट ट्राई टू टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, दैट आई विल इवेल्युएट। ओके सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी अबाउट द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखेंगे, एलिमिनेशन आपका यहाँ चारों टाइप क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ टाइप्स हम देखेंगे, फिर ग्राफिकल की ओर मूव करेंगे जहां पे आपको ग्राफ पेपर्स वगैरह का भी रिक्वायरमेंट होगा, पेंसिल स्केल, ठीक है, अपने साथ रखना है। टिल द टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे।